तो ये पावर बटन जो है इसका वर्केबल नहीं है, पूरा हार्ड हो चुका है। इसको कैसे ऑन करेंगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं और एक ट्रिक बता देता हूँ। तो गाइस इसको ऑन करेंगे अभी, इसको पावर केबल को अभी मैं बाहर निकाल लिया हूँ। तो इसको इस वॉल्यूम बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा एक साथ। तो इसको मैं इनपुट करूँगा, इसको मैं प्रेस करूँगा, एक साथ आ जाएगा। तो देख सकते हैं, तो एक सिस्टम आएगा रिबूट का, फास्ट बूट का एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं मेन मेनू आ गया है इस यहाँ पर। तो अभी आप कुछ नहीं करेंगे तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यूज वॉल्यूम बटन सिलेक्ट अप डाउन। तो यहाँ पर वॉल्यूम बटन यहाँ पर चूज करेंगे तो अप डाउन होगा, और यूज पावर की टू कंफर्म। तो यहाँ पर मैं पावर की यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो देख सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर, तो आप रिबूट पर वेट करोगे तो कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा, तो वेट करो। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम पर आ चुका है ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इसके बाद और एक जंप लेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रिबूट हो चुका है डिवाइस। तो गाइस इसी तरह आप रिबूट कर सकते हो अपना डिवाइस को। थोड़ा समय लगेगा आपको, मिनिमम 5 मिनट लगेगा आपको इसको रिबूट करने में। तो ऐसे ही कुछ मेथड में होता है, तो देखते हैं कितना समय लगेगा। इसको मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ, देखते हैं कितना समय और लगेगा। तो ये Redmi Note 7 Pro है गाइज, तो ये थोड़ा ऑन होने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर ऑन हो चुका है डिवाइस। तो चलिए इस डिवाइस को अभी मैं दे देता हूँ। तो गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज।